जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आज के राशिफल की। आज के राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे। आज का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जानते हैं। चंद्रमा का गोचर आज के दिन धनु राशि में रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं, जो कि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंध की बात करें तो आज के दिन आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी आज के दिन बहुत आवश्यक है। शनि देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में है, तो प्रेम संबंधों में व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। लोग सिंगल हैं, उनको कोई आज नया साथी मिलेगा ऐसी संभावना कम दिख रही है। पुरानी बातों को लेकर अगर आपके प्रेम संबंध हैं, कोई गलतफहमी या विवाद चल रहा है, तो उसको आगे ना बढ़ने दें। यही आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नए नए प्रेम संबंधों में आए हैं वो आपस में विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। और अगर आपका कोई मित्र है या किसी से आपकी बातचीत चल रही है, उसको प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, उसके लिए दिन अच्छा है। और अगर पुराने प्रेम संबंध है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो इस समय पर कॉन्टैक्ट होगा थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। अपने प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति को स्थान बिल्कुल ना दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों के मामले में आज के दिन कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें मेष राशि वालों के, तो वैवाहिक संबंधों में आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने साथी पर फालतू की कोई शक ना करें, कोई गलतफहमी ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी विवाह से अलग कोई संबंध है, तो वहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपके बाद विवाद हो सकते हैं और आपके जो विवाह से अलग संबंध हैं वो आपके जीवन साथी को पता भी चल सकते हैं। ससुराल पक्ष से कोई बात विवाद ना करें। आप अपने जीवन साथी के साथ या प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई छोटी या बड़ी यात्रा का प्लान कर सकते हैं या आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा। गुरु और शुक्र की दृष्टि भी है आपके पंचम भाव पर, तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए व्यर्थ के बाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। अपने साथी से कोई पुरानी बातों को लेकर व्यर्थ का बाद विवाद ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को ना सुने, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातें सुनते हैं और उनकी बातों में आते हैं, तो आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी किसी से बातचीत आज के दिन हो सकती है। और अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, उसके लिए दिन अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके नए प्रेम संबंध हैं उनको आपस में एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हालांकि जो नए प्रेम संबंध हैं उनमें आपके काफ़ी मधुरता दिखेगी और पुराने प्रेम संबंधों में भी आज के दिन मधुरता दिखेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में आज अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथी एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। ससुराल पक्ष से किसी भी बात विवाद से बचें, इस बात का बहुत ध्यान रखें आज के दिन। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है, तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है आज के दिन। जो लोग अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, या उनकी कोई बातचीत पहले से चल रही है, तो वो आज बातचीत उनकी हो सकती है। और कोई पुराना विवाद अगर आपके साथी के साथ चल रहा है, तो आप हल करने का प्रयास करें, वो हल हो सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में आज के दिन थोड़ा गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और गलतफहमियों के चलते आप आपस में व्यर्थ का बाद विवाद कर सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें, एक दूसरे से व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश आज पूरी होगी ऐसा मुश्किल दिख रहा है। और अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपने किसी भी साथी को धोखे में रखकर कोई बातें ना करें और उससे संबंध बनाने की कोशिश ना करें। आप जो भी बातें हैं सच्चाई के साथ अगर किसी को प्रपोज करते हैं, तो आज आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। वैवाहिक संबंधों में मिथुन राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए भी दिन सही है, वो प्रपोज कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें।
वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, बस ससुराल के पक्ष के लोगों से वाद विवाद करने से बचना है। और ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी बात घर में ऐसी नहीं कहनी है जिससे कि आपका विवाद खड़ा हो। बाकी संबंध अच्छे देखने को मिलेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आपको अपने साथी से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना है, कोई गलत फहमियाँ नहीं पालनी हैं और आज के दिन कोई ऐसी बातें नहीं करनी हैं जिससे कि आपके व्यर्थ के बाद विवाद बढ़ें। जो लोग सिंगल हैं उनको साथी मिल सकता है, उनके लिए दिन अच्छा है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए भी दिन अच्छा है। बाकी प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए आपको आज के दिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। बस एक ही बात का याद रखना है आपको कि आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं करनी है जो आपके जीवन साथी को अच्छी ना लगे। और ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर भी कोई टीका टिप्पणी आपने अपने जीवन साथी के सामने नहीं करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध आज के दिन अच्छे देखने को मिलेंगे। सिंह राशि, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनको आज साथी मिलेगा ऐसा मुश्किल दिख रहा है। और जो वैवाहिक संबंध हैं आपके वो अच्छे रहेंगे, वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी रखें। शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में है इसलिए ईमानदारी इस समय रखना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। जीवन साथी के साथ अगर कोई आप व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं या आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार नौकरी करता है तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों में आपको बहुत ईमानदारी रखनी है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। आपके पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है तो ध्यान रखकर चलना है। आपके प्रेमी प्रेमिका को लेकर आपके घर में कोई बातचीत आपकी हो सकती है, खासकर माता पिता से, तो इस बात का ध्यान रखकर चलें। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई ना कोई आ सकता है, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, आज का दिन अच्छा है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में कन्या राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और ससुराल पक्ष से आप कोई गलत फहमी ना पालें, ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ना कुछ कहें, ना ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद करें, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग अविवाहित हैं कन्या राशि वाले, उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, यानी कि उनकी बातचीत अगर कहीं चल रही थी तो वो बातचीत आगे बढ़ सकती है। तुला राशि, तुला राशि वालों के पंचम भाव में शनि है, शनि का ही गोचर है और चंद्रमा का गोचर आज उनके तीसरे भाव में है, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेम संबंधों में संबंध अच्छे रहेंगे, ईमानदारी बरतना बहुत आवश्यक है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका को किसी भी धोखे में ना रखें, अगर कोई भी धोखा आपने उससे किया है तो बता दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आज के दिन आपकी बातें पता चल सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से बातचीत चल रही है, प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में आज के दिन आप कोई गलत फहमी अपने जीवन साथी से ना पालें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी वैवाहिक संबंधों में संबंध अच्छे रहेंगे, आपके ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के साथ आप कुछ समय भी बिताएंगे तो वैवाहिक संबंधों में परिणाम आज के दिन तुला राशि वालों को अच्छे मिलेंगे, बस गलत फहमियों से बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। बस आपके प्रेम संबंध आपके घर वालों को आज के दिन पता चल सकते हैं, घर वालों से कोई बातचीत प्रेम संबंधों को लेकर हो सकती है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और आप अगर सिंगल हैं, कोई साथी की तलाश में हैं तो आज के दिन आपको कोई साथी मिलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल है। अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से स्पष्ट रूप से प्रपोज करें तभी ठीक रहेगा। और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और जीवन साथी आपका हर क्षेत्र में सहयोग करेगा। धनुराशि, धनुराशि वालों के प्रेम संबंध में आज के दिन गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को लेकर गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे को, इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकते हैं। जो लोग साथी की तलाश में हैं उनको साथी से बातचीत हो सकती है, लेकिन साथी उनका आज के दिन मिल पाएगा ऐसा मुश्किल है। प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से करेंगे तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। वैवाहिक संबंधों में परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें,
इस बात का ध्यान रखें, ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आज के दिन आपके ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं और उसके चलते आपको वैवाहिक संबंधों में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों को प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अगर सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से हर मामले में अच्छा है। वैवाहिक संबंधों में आज के दिन सामान्य परिणाम मिलेंगे, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे और आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं और बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। आपके प्रेम संबंधों को लेकर आपके घर परिवार में कोई ना कोई बातचीत हो सकती है आज के दिन और वो अब माता के साथ ज़्यादा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें और अपने प्रेम संबंधों को मजबूत रखें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां होते वरना देर नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखकर चलें। जो लोग साथी की तलाश में हैं उनको आज के दिन कोई साथी मिलेगा ऐसा संभव नहीं है और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, जाँच परख कर करें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। वैवाहिक संबंधों में भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि वैवाहिक संबंधों में आप ईमानदार रहेंगे तो ही परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में कुंभ राशि वालों को इस समय ईमानदारी बहुत ही आवश्यक है और अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों से भी बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथी की तलाश में हैं तो साथी मिल सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है। प्रपोज करना चाहते हैं प्रपोज करें, आज के दिन आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा और प्रेम संबंधों में अच्छे ही परिणाम हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें अपने प्रेम संबंधों में, इस बात का ध्यान रखें। बाकी प्रेम संबंधों में मीन राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और वैवाहिक संबंध भी मीन राशि वालों के आज के दिन अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को बहुत प्रेम करेंगे। चाहे आपका वैवाहिक संबंध हो चाहे आपका प्रेम संबंध हो, मीन राशि वालों को आज के दिन अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों ये था आज का राशिफल, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।